सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मतलब स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक पाई नेटवर्क को नहीं समझा है या अभी तक समझ नहीं पाए, और जिनको पाई नेटवर्क के बारे में नहीं मालूम कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो क्या आप मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? क्योंकि दिस इज़ द ओनली एंड ओनली अपॉर्चुनिटी इन योर होल लाइफ विच यू कैन नॉट गेट इन होल ऑफ योर फ्रॉम योर लाइफ। ओके सो गाइज, इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि पाई नेटवर्क क्या है, मैं आप लोगों को ये सबसे पहले आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, ठीक है? ये मेरी आप लोगों के लिए सजेशन है, आप लोगों के लिए मेरी राय है कि दोस्तों, अपने दिमाग से सबसे पहले आप ये चीज़ हटा लीजिए कि पाई नेटवर्क कोई नेटवर्किंग कंपनी है, कोई एमएलएम है या फिर कोई कंपनी भी है, ठीक है? आप इसको एक कंपनी भी नहीं बोल सकते दोस्तों, ठीक है? क्योंकि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम को बदलने वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है? कैसे, ये बात हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं मेरे थ्रू, मेरे इस चैनल के थ्रू, मेरी इस वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अपने दिमाग से हटा लीजिए ये कोई नेटवर्किंग या एमएलएम कंपनी है। अगर ये नेटवर्किंग होती तो मैं आप लोगों को बोलता कि आप अपने नीचे जोड़ो, फिर अपने नीचे किसी को जोड़ो, वो किसी को जोड़ेगा, फिर वो ए ने बी को जोड़ा, बी ने सी को जोड़ा, सी ने डी को जोड़ो, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? आपने उसको काटा, आपने उसका बकरा काटा, वो उसको बकरा काटेगा, एक दूसरे का काटना कूटना चलता रहता है और आप लोगों की जेब भरती रहती है। ये होता है नेटवर्किंग का सिस्टम, और वो जेब भर भर के आप लोग आगे चल करके वो दिखा देते कि हमने मर्सिडीज खरीद ली, हमने ये बीएमडब्ल्यू खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, और इस तरीके से बेब को बना करके मार्केटिंग जो है वो चलती रहती है, और वो होती है दोस्तों एक्चुअल नेटवर्किंग, एक्चुअल एमएलएम कंपनी जो कि इंडिया के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो माइंड सेट है फ्रेंड्स वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, ठीक है? तो अभी मैं बात करता हूं फ्रेंड्स यहां पर बिना कोई वक्त गवाए पाई नेटवर्क की। बट उससे पहले फ्रेंड्स चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो तुरंत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सारी अपॉर्चुनिटीज और सभी तरह की अपडेट्स आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहे, ठीक है? तो अभी बात करते हैं फ्रेंड्स पाई नेटवर्क की। तो फ्रेंड्स पाई नेटवर्क के बारे में समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इंटरनेट करेंसी है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वर्क ऐसे ही करती है जैसे कि आप अपनी इंडियन करेंसी यूज करते हो या फिर कोई भी क्रिप्टो, आई मीन अमेरिकन डॉलर या किसी भी देश की करेंसी यूज करते हो, ठीक उसी तरीके से वर्क करती है। आप इसके थ्रू यहां पर पैसे यूज कर सकते हो, अपने एटीएम से विड्रॉल वगैरह कर सकते हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है, ठीक है? अब बात करें, अगर जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहां पर क्रिप्टो करेंसी, तो और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बात करते हो फ्रेंड्स, अगर बिटकॉइन का नाम लिया ना लिया जाए तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी उस पर्सन के लिए जो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है, और साथ ही इस बिटकॉइन के लिए भी, क्योंकि फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट टाइम जब पूरे वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस हुई तो वो 2009 में हुई, और उस टाइम पे जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी पूरी दुनिया की वो था सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन। और बात करें बिटकॉइन के प्राइस की, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स बिटकॉइन का प्राइस 2009 में एक किटकैट के प्राइस के बराबर था, लगभग 8 से 10 रुपए के आसपास जो है बिटकॉइन का प्राइस था। और अगर करंट प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 42 लाख रुपीज। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी तो 41 लाख रुपीज था, आज की डेट में 1 लाख रुपए और बढ़ गया, तो 42 लाख आज का करंट प्राइस है, ठीक है? इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉपुलर करेंसी आती है वो आती है इथेरियम। इथेरियम जो है 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरी दुनिया के सामने। उस टाइम पर जो उसका प्राइस था वो भी लगभग 100-200 रुपए था, यानी 2 से 3-4 डॉलर, ठीक है, 2-3 डॉलर इस तरीके का प्राइस था। बट आज की डेट में फ्रेंड्स अगर आप बात करो इथेरियम की ETH, तो लगभग 2,70,000 रुपए, और अगर US डॉलर में बात करें तो लगभग 3,615 डॉलर आज का करंट प्राइस है इथेरियम कॉइन का, ठीक है? अब यहां पर फ्रेंड्स हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि इन क्रिप्टो करेंसी को बनाया कैसे जाता है, ठीक है? तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन, आई मीन वीडियो के ऊपर आप देख सकते हो यहां पर वीडियो किस तरीके की अलग अलग मशीनें लगी हुई हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स जो है सारी क्रिप्टो करेंसी है वो बनाई जाती है, इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, और मशीनों को लगाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है दोस्तों, कोई भी बिटकॉइन बनता है तो बहुत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, ठीक है? तो स्पेशली पहले जब क्रिप्टो करेंसी बनती थी या बिटकॉइन बनता था, तो बड़े से बड़े बिजनेसमैन ही इसके अंदर इन्वेस्ट करके जो है इन क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को बनाया जाता था, ठीक है? अभी भी बनता है बिटकॉइन, अभी भी बनता है, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इन बिटकॉइन को बनाने के लिए हमें
लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे का इंटरनेट, ये हमें रिक्वायरमेंट इसकी होती है, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से इथेरियम की भी। लेकिन दोस्तों पाई नेटवर्क, ठीक है, पाई नेटवर्क की बात करो तो देखिए पाई नेटवर्क के अंदर क्या खासियत है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको एक एक करके मैं यहां पर पॉइंट गिनाता हूं। सबसे पहली बात कि यहां पर किसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है आपको, किसी भी तरीके के आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ जब जब आपको इसको ऑन करना होता है, ठीक है। और ये बनती किससे है फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के अंदर जो पाई कॉइन अभी बन रहे हैं, जो कि पाई नेटवर्क पूरा प्रोजेक्ट है, तो ये कॉइन बनता है आपका एप्लीकेशन के थ्रू। यानी कि ना तो कोई इन्वेस्टमेंट, ना किसी तरीके की मशीन है, ना 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही यहां पर इंटरनेट 24 घंटे आपको चाहिए, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहां पर बोला जा रहा है कि पाई नेटवर्क जो है ना वो रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, बदलाव लाने वाला प्रोजेक्ट है। इस चीज को आप समझें, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहां पर कि जैसे बिटकॉइन से कितना और हटके है। तो दोस्तों बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन यानी कि ट्रांसफरिंग जो स्पीड होती है ना वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर पाई नेटवर्क कॉइन की बात करें तो ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं एक्चुअली आपको नहीं बताऊंगा अभी कितनी स्पीड है, मैंने जो आपको नॉर्मल चीज थी वो बता दी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है ना वो जब लॉन्च हो जाती है उसके बाद अपना बाजार तैयार करती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों पाई नेटवर्क जो है ना वो अपनी लॉन्चिंग से पहले, यानी ये पूरे इतिहास में 10 साल के इतिहास में क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के इतिहास में फ्रेंड्स ये ही एक ऐसी करेंसी है जो लॉन्चिंग से पहले, ठीक है, यानी कि अपनी लॉन्चिंग से पहले 25 मिलियन यूजर्स क्रिएट कर चुकी है, बना चुकी है, 25 मिलियन लोगों का नेटवर्क बन चुका है। और इसके मार्केट प्लेस की बात करी जाए तो फ्रेंड्स चाइना के अंदर ऑलरेडी ट्रांजेक्शन वगैरह जो है एक तरीके से लेन देन किया जा रहा है, ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू बन जाए, ताकि ये जब लॉन्च हो तो कम से कम $100-$50 तक लॉन्च हो, ठीक है। कहने को तो $500 तक भी बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअल प्राइस तो फ्रेंड्स जब ये आएगा तब हमको क्लियर होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कोई भी करेंसी आती है वो लॉन्च होती है, और लॉन्च होने के बाद अपने यूजर्स तलाश करती है कि आप आइए हमारे पास, हमारे कॉइन्स यूज करिए और हमारे कॉइन की वैल्यू बढ़ाइए। लेकिन पाई नेटवर्क सोचिए दोस्तों कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, 25 मिलियन यूजर्स और ऑनलाइन स्टोर्स यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट्स, डिफरेंट तरीके की एप्लीकेशन जहां पे आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, और जॉब में जो आपको सैलरी मिलेगी वो पाई कॉइन्स के थ्रू मिलेगी, जिसको आप इजीली किसी भी करेंसी में बदल करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती है, वो पाई कॉइन पेमेंट के थ्रू आप उसको पे कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि बिटकॉइन के अंदर ऑलरेडी जो चाइना है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है करी जा रही ताकि इसकी वैल्यू बन पाए, ठीक है। तो ये इसी तरीके से फ्रेंड्स जो है पाई नेटवर्क जो है ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्चिंग से पहले इतने बड़ा यूज़र तैयार होना और इतना बड़ा नेटवर्क तैयार होना और साथ ही इतना बड़ा बाजार तैयार करना कि आप चाइना के अंदर जाओ तो आपको काफ़ी सारे ऑफलाइन स्टोर्स मिल जाएंगे। ऑफलाइन स्टोर से मतलब है कि वहाँ पर मॉल्स, स्टोर्स, ठीक है, रेस्टोरेंट्स, यहां तक कि कोरिया के अंदर भी आप उन कॉइन्स को जाकर के यूज कर सकते हो, और वहां पे फ्री में क्या मतलब वो कॉइन को देकर के आप वो चीजें खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये है वो बातें जिसकी वजह से पाई नेटवर्क जो है ना बूम करने वाला है पूरे मार्केट के अंदर, ठीक है। 2021 दिसंबर एंड मेन नेट में आ जाएगा, फेज 3 में आ जाएगा, जिसके बाद दोस्तों ये आगे चल के बहुत जल्दी लिस्टिंग हो जाएगी इसकी, और उसके बाद इसका एक्चुअल प्राइस निकल के आ जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप इनको यूज कैसे कर पाओगे जब लॉन्चिंग हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से इसको सेल करना है, आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कभी कुछ नहीं सुना, ठीक है, आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रही, अब आपको नहीं पता कि कैसे सेल होगा, कैसे विड्रॉल होगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। आपको मेरा नंबर मालूम है, स्क्रीन पर मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले जब भी आप अकाउंट बनाए पाई नेटवर्क एप्लीकेशन के ऊपर, अपना नाम लिख करके उसके आगे डीके लगा करके मुझे मैसेज जरूर करें, ताकि आपका नंबर जो है वो मैं सेव कर लूं और आपको कभी भी कांटेक्ट कर पाऊं आपकी हेल्प करने के लिए, और आप भी मुझे कांटेक्ट कर पाएं इजीली आपको जब भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कैसे इसमें काम किया जाता है, किस तरीके से सेल करना है, किस तरीके से विड्रॉल करना है, तो उसके रिगार्डिंग आप चाहे कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, आपको हेल्प मैं करूंगा, ठीक है। ये मेरा आप लोगों के लिए एक तरीके से जुबान है फ्रेंड्स, जिसका मैं ज़रूर ध्यान रखूंगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पर विड्रॉल कैसे होगा, तो दोस्तों सिंपल सेल कर पाएंगे आप इन कॉइन्स को, ठीक है, किसी एक्सचेंजेस के थ्रू, और मैं यहाँ पर आपको पूरा बेटर बताऊंगा किस तरीके से आपने विड्रॉल करना है आगे चल के जब इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी, उसके बाद विड्रॉल का मेथड मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि किस तरीके से आप जो है पाई नेटवर्क को बहुत ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, और ये है वो राज की
किस तरीके से फ्रेंड्स जो ये पाई नेटवर्क कॉइन है, पाई कॉइन है, वो और कॉइन से हट करके है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जैसे बिटकॉइन 10 साल के अंदर 40 लाख रुपए हो गया, ठीक है, इथेरियम जैसा कॉइन वो भी 3 से 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर 3 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया। इसी तरीके से दोस्तों आने वाले टाइम में जो पाई कॉइन है उसकी वैल्यू यानी कि आने वाले 5 साल के अंदर कम से कम 2 से 3 लाख रुपए जरूर होगी, ठीक है। तो उस टाइम सोचिए अगर आपके पास में 100 कॉइन भी होंगे और उस टाइम पर अगर आप एक कॉइन 2 लाख रुपए का बेचेंगे तो आपके 100 कॉइन की वैल्यू लगभग 2 से 3 करोड़ के आसपास होती है, 2 करोड़ 3 करोड़। ये फ्रेंड्स मैं हवा में सपने नहीं दिखा रहा, मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, ये करेंसी है जिसकी ट्रेडिंग होती है और जिसको आप आगे चल करके बहुत अच्छी कीमत पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको कोई प्रॉपर्टी भी प्रॉफिट नहीं दे सकती है दोस्तों। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपके हाथ में क्या लगा है और क्या मैं आप लोगों को यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि आपको इस मौके को नहीं खोना चाहिए, इसमें आपको ज़रूर फ्री में, क्योंकि फ्री की चीज़ मिल रही है, उसके बावजूद भी अगर आप लोग घबरा रहे हैं, ठीक है, पाई कॉइन की माइनिंग करने को लेकर के दोस्तों, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं इस बात के लिए, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो समझाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगर आप यहाँ पर पाई की माइनिंग करना चाहते हैं तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन के एंड में आपको सभी स्टेप्स मिल जाएंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए पाई नेटवर्क के ऊपर रियल नेम से अकाउंट जरूर बनाएं। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कंटिन्यू विद फोन नंबर, कंटिन्यू विद फेसबुक। अगर आप फोन नंबर से बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वही डालें जो आपके आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में हो, गलत ना डालें। अगर आप फेसबुक से बनाना चाहते हैं तो फेसबुक से बना सकते हैं, लेकिन फेसबुक पर भी यही कंडीशन है कि आपका जो फेसबुक पर नाम है वो रियल नेम पर होना चाहिए, रियल नेम होना चाहिए, वो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट से मैच होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग जो है आपका जो अकाउंट है वो इनवैलिड माना जाएगा और आप जो कॉइन्स बना रहे वो बेकार हो जाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा और जो आपको फ्रेंड्स इनविटेशन कोड यूज करना है, ठीक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है, देख सकते हो आप नीचे की तरफ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आपने वहाँ पर ये सब चीज़ें करनी है, अकाउंट बनाते हुए फेसबुक या उससे कंटिन्यू करना है एंड उसके बाद फिर आपसे वो यूज़र नेम बोलेगा बनाने को, तो यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम डाल करके आप यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं, वो बस पूरी दुनिया से अलग होना चाहिए आपका नाम, ठीक है, उसके जैसा नाम कहीं और होना चाहिए, ये यूज़र नेम बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद इन्विटेशन कोड, तो इन्विटेशन कोड आपको डालना है दुर्गेश राजपूत 99, डी कैपिटल में, आर कैपिटल में, बाकी सभी स्मॉल में, और उसके बाद दुर्गेश राजपूत 99 ये आपने डालना है, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे आपके टैप टू अर्न का ऑप्शन आएगा, आपको टैप टू अर्न क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे माइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको अगले दिन 24 घंटे के बाद फिर से आना है, एप्लीकेशन को ओपन करना है, टैप टू अर्न पर क्लिक करना है, आपकी माइनिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी और आपके कॉइंस बनने लगेंगे, ठीक है। इसके लिए जैसे कि फ्रेंड्स कहा कि आपको 24 घंटे नेट चलाने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे फोन को ऑन करने की जरूरत नहीं है, फिर आप अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए और कॉइन्स आपके ऑटोमेटिकली बनते रहेंगे, ठीक है। सो ये है फ्रेंड्स इसका मेथड पाई कॉइन्स को बनाने का एंड कोई भी अगर क्वेरी होती है, कोई भी डिफिकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जैसा कि मैंने कहा आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इंस्टाग्राम भी जरूर फॉलो करना ताकि वहाँ भी आपको सारी अपडेट्स पिक्चर्स के माध्यम से पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग मिलती रहे। और जितने भी यूजर्स हैं, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स कहा, आप जितने भी पायनियर्स हो, ठीक है, और आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है तो ये मेरी हेल्पलाइन है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग। तो मेरा नंबर जरूर सेव करें और जब भी आपको जरूरत पड़े मुझे मैसेज करें और हेल्प लें। सो वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।